हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो है वो है हमारी कि जो ट्रांसफार्मर है वो कोर की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आप जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाके पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद में ये टॉपिक समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम ये देख लेते हैं कि फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होता है फेजों की संख्या के आधार पर, वो होता है हमारा सिंगल फेज। यहाँ पे हमारा होता है एक फेज यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और हमारे यहाँ पे दूसरा जो होता है वो होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, जो ये ट्रांसफार्मर होता है इनके अंदर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता, बस इनमें अंतर होता है तो वो एक ही अंतर होता है कि ये जो वाइंडिंग के आधार पर इनको बांट दिया जाता है सिंगल फेज के अकॉर्डिंग और थ्री फेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देख लेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। फ्रेंड्स, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे घरेलू उपकरणों के अंदर काम में आता है, यानी कि इस जो ट्रांसफार्मर होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। जो प्रयोग होता है वो होता है हमारे 250 यानी कि 250 वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओनली 250 वोल्टेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, वो हमारे यहाँ पे होता है 3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, और इसमें कंटिन्यू हम जितने हों उतने वोल्टेज ले सकते हैं ओनली और 250 वोल्टेज के लिए। फ्रेंड, जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा होता है सेल प्रकार का, और कोर प्रकार का। अब आप देखोगे कि ये सेल प्रकार कोर प्रकार क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिए, तो आप जाके पहले वो वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सिंगल फेज। इस फेज के अंदर हम ज्यादा वोल्टेज नहीं लेते, कम वोल्टेज के लिए इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार का ये ट्रांसफार्मर होता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, हमारे सिर्फ दो ही वाइंडिंग करी जाती है, हमारे यहां पे दो ही वाइंडिंग करी जाती है। यहां पे दो वाइंडिंग हो गई, वो हमारी हो गई तो प्राइमरी, और इसी के ऊपर हमारी हो गई सेकेंडरी। हमारे पास ये दो वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे हमारे पास टर्नों की संख्या होती है, वो टर्नों की संख्या हमारे पास होती है थोड़ी अधिक, और सेकेंडरी के अंदर हमारी टर्नों की संख्या होती है वो होती है कम। कम होने के कारण ही फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे को आपूर्ति वोल्टेज, जो हमारे को प्राप्त वोल्टेज होती है वो हमारे होते हैं 200-250 वोल्टेज के समथिंग। ठीक है, कम वोल्टेज के लिए इस ट्रांसफार्मर को प्रयोग में लाया जाता है। अब देख लेते हैं हम हमारा थ्री फेज। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे थ्री फेज क्या होता है। फ्रेंड्स, ये 250 वोल्टेज से कम वोल्टेज के लिए प्रयोग में, यानी कि 240 से 220 या 230 वोल्टेज के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम जो हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, वही प्राइमरी वाइंडिंग होती है और वही सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसका प्रयोग भी हम वही सेल प्रकार का होता है और कोर प्रकार का होता है, और इसका जो यूज है वो हम लेते हैं हमारा पारेषण और वितरण के लिए, यानी कि हमारे जो वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, किसमें, थ्री फेज के अंदर, थ्री फेज में वोल्टेज को बढ़ाना और घटाने के लिए हम इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड, देख लेते हैं कि इसके जो वाइंडिंग है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो थ्री फेज में होता है वो क्या होता है, हमारे यहाँ पे तीन वाइंडिंग होती है, तीन वाइंडिंग में होता है हमारे पास प्राइमरी और तीन ही हमारे पास होती है सेकेंडरी। तो यहाँ पे हमारे पास हो गई
प्राइमरी वाइंडिंग, ये एक फेज की, ये दो फेज की, और ये हमारे पास हो गई यहां पे थ्री फेज की वाइंडिंग। ये तीन फेजों की प्राइमरी वाइंडिंग हमारे पास यहां हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। जैसे कि हमने पहले देख लिया था कि ये कौन सी हो गई, आर वाई और ये बी, ये हमारे पास हो गई इनपुट। अब हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं तो हमारे को आउटपुट भी लेना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का यूज ही इसी का ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। फ्रेंड्स, जो इनके कनेक्शन होते हैं वो होते हैं स्टार डेल्टा के अंदर, तो वो हमारा आगे का टॉपिक आएगा कि स्टार डेल्टा में किस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करते हैं। ये हो गया हमारे पास एक फेज के लिए, ये दूसरे फेज के लिए, और ये हमारे पास हो गया तीन फेज के लिए। ये हो गया हमारा सेकेंडरी, हो गई है हमारे पास वही आर वाई बी। इस प्रकार के हमारे पास इस प्रकार जो होता है हम इसमें कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये थ्री फेज का ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज होता है वो 440 वोल्टेज से लेके 440 वोल्टेज से लेके और 440,000 वोल्टेज तक, 440,000 वोल्टेज तक हम इसका उपयोग में इसको लेते हैं। इसका जो यूज होता है वो पारेषण वितरण में होता है, जिसका चैप्टर हमारे पास आगे आएगा। इसका चैप्टर जो है हमारे पास आगे आएगा कि किस प्रकार से हम इसकी वोल्टेज अपचय करते हैं या किस प्रकार से इसकी वोल्टेज उपचय करते हैं, यानी स्टेप अप स्टेप डाउन जो होता है वो किस प्रकार से करता है। तो ये हमारे पास हो गया थ्री फेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो फेजों की संख्या पे थ्री फेज का ट्रांसफार्मर किस प्रकार होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है उसके आगे टॉपिक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।